अलगू माध सुन रो ट्रेन का हादसा है और वफा की हुकूमत और सिंधुकूमत में कशीदगी है जो एक बड़े हादसे को जन्म दे सकती है पाकिस्तान में इस तरह के हादसा ट्रेन के हादसा हों या फिर वफा की इकाइयों के दरमियान या वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ हों ये एक मामूल हैं लेकिन अब जरा मामला ज़्यादा संगीन हो गया है पहले ट्रेन के हादसे पर ट्रेन के हादसे को मैं वफाक और हुकूमत के सिंधुकूमत के तस्म के साथ जोड़ मैं इसलिए रहा हूँ कि मैंने इमरान खान साहब का एक ट्विटर ब्रिगेड कह दें यूट्यूबर्स हैं यूट्यूबर यूट्यूब ब्रिगेड कह दें उसकी एक सरकर्दा इमरान खान साहब हुकूमत की सरकर्दा एक यूटूबर है और ट्विटर पर भी बहुत मुतरक होती हैं उन्होंने बड़ा ही एक अजीब व गरीब किस्म का ट्वीट किया उन्होंने कहा मैं वफाकी हुकूमत से इल्तजा करती हूँ कि आइंदा सिंध में रेल की पटड़ी की रेलवे ट्रैक की मरम्मत सिंध हुकूमत पर ना छोड़ी जाए खुद करें मैं हैरान परेशान कि ये वो लोग जो आते हैं ना जब यूट्यूब पर बैठते हैं और बताते हैं कि जनाब दुनिया जान की सारी मालूम उनके पास है और वो लोगों के ड्राइंग रूम तक की मालूम लेकर आ जाते हैं और दुनिया के कई कई निज़ामों के मिसाल दे रहे होते हैं और इमरान खान साहब को अजीम साबित करने के लिए ना जाने ज़मीन आसमान की किस तरह की कलबे में ला रहे होते हैं तो वो अच्छा उमूा अक्सर ऐसे ही हैं अक्सर ज़्यादातर इस तरह के ही हैं लेकिन बहरहाल वो मैं पढ़ के सर पे हाथ रख के बैठा रहा सुबह से कि यार ये क्या है फिर मैं थोड़ा सा कल मैं सुन रहा था जो उस तरफ गया थोड़ा सा कल से हादसे के बाद जो मामला चलते रहे चाहे फवाद चौधरी साहब का बयान हो चाहे वज़ी रेलवे उन्होंने तो कमाल बयान दिया फिर वो डॉक्टर फिर्दोसाश अवान साहब उन्होंने तो ख़ पार कर दी ना तो फिर मुझे और वज़ी अजम इमरान ख़ान साहब उनका अपना रवैया जो होता है इस, इस तरह के इशूज़ पर तो फिर मुझे लगा कि नहीं भाई ये पूरा का पूरा मतलब आवाही का आवाई बिगड़ा हुआ है ना ये कोई एक आध मसला नहीं है ये ये कह दें कि जनाब इस घड़े का एक आम खराब है नहीं ये सारे के सारे इस तरह के हैं कि कहाँ रेलवे कहाँ सिंध हुकूमत के मामला हाँ सिंध हुकूमत पर जब वो मैंने देखा था हादसा हुआ हादसे के बाद मैंने देखा रेस्क्यू डबल वन डबल टू ज़ाहिर है वो क्योंकि पंजाब के बिल्कुल पास ही हादसा हुआ था सिंध में तो रेस्क्यू डबल वन डबल टू वहाँ पर थी तो मुझे एक एहसास हुआ कि यार हुकूमत सिंध को इस तरह की रेस्क्यू सर्विस अब तक शुरू कर देनी चाहिए थी वो हुकूमत वो सिंध की गहल गफलत नालायकी लायकी ना अली जो भी उसको कह दे वहाँ पर जाकर तनकीद हो सकती है मगर रेलवे ट्रैक्स हुकूमत कैसे करे तो वो मैंने जब वो चीज़ें देखी और फिर सदम साहब का जब बयान देखा फिर आज सुबह जब मैं उठा तो वजी अली शाह साहब ने कहा कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाने देंगे वफा हुकूमत को हम मज़ा करेंगे वो किस बात पे कह रहे हैं ये वाला रवैया ये वाला रवैया जो वफाक हुकूमत दिखा रही है और वफाकी हुकूमत के लोग जिस तरह बिहेव कर रहे हैं लोगों के साथ और जिस तरह पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं हसास तरीन मामलों के साथ वफाक और सूबे का ताल्लुक इंतहाई हसास होता है चाहे वो वफाक का पंजाब के साथ हो चाहे वफाक का सिंध के साथ हो चाहे वफाक का बलोचिस्तान के साथ ये बहुत ही नाजुक ताल्लुक़ है इस ताल्लुक़ को चलाना निभाना हर किसी के बस की वो कहते हैं ना खाला जी का वाड़ा वो खाला जी का वाड़ा नहीं है इसके लिए बहुत ज़्यादा संजीदगी चाहिए तो हुकूमत की संजीदगी इतनी ही है वफाक को चलाने में जितनी संजीदगी रेल को चलाने में है रेल पे क्या हुआ हादसा हो गया हादसे के बाद डाउन ट्रैक जो है वो इकत्तीस घंटों के बाद बहाल हो गया अब ट्रैक अभी बहाल होना है ट्रेनों की आमदरफ़्त मअल कर दी गई है और बयान क्या आ रहे हैं वज़ी अजम इमरान ख़ान साहब कहा करते थे माजी में बल्कि वो लोधरा का बयान जब वो गए थे अपना उनके नाराज़ बल्कि सबक दोस्त जहांगीर तरीन साहब भी उनके साथ खड़े हैं वो पुराना बयान अब मीडिया चला आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि जना वो कोई फाटक पे हुआ था हादसा हुआ था बड़ा हादसा था तो उस पर उन्होंने कहा था कि दुनिया में कहीं भी ऐसा होता है तो फिर हुकूमत वज़ीर इस तरह का हादसा होता है तो रेल का वज़ी और वजीर हुकूमत वहाँ से मुस्तफ़ी हो जाती है और पाक यहाँ पा इनको भी यही करना चाहिए तो वह इमरान खान साहब की याद दहानी के लिए था कि इतना बड़ा हादसा हो गया है तो आपके वजीर तो इस्तीफ़े दे नहीं रहे तो ये सवाल होता है जब वहाँ आजम सवाती साहब मौजूद होते हैं घोटकी में रेती में रेती वो जो प्रॉपर गाँव है जहाँ पर यह हादसा हुआ तो रेती में जब वहाँ मौजूद होते हैं तो वहाँ पर सहाफ़ी सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब अगर मेरे इस्तीफ़े से जाने वापस आ जाती है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ इमरान खान साहब का बयान भी ठीक था मेरे इस्तीफ़े से अगर जाने वापस आ जाती यानी मतलब संजीदगी कालम भाई आप इस सवाल को इग्नोर कर दो इस सवाल का कोई और जवाब दे दो ये क्या कि मतलब इतना बड़ा मजाक और फिर दो साहि अवान साहबा क्या कह रही हैं जी वो ये कह रही हैं फरमा रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का फ़जल है कि इस साल का ये पहला हादसा है मतलब कहना वो जो भी चाह रही है लेकिन इस इस तरह के हादसा में कितना एक संजीदा होकर कहते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो कितना संजीदा होकर सोच समझ कर आते हैं बासठ लोग आज जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो शर मरने वालों की तादाद है हलाक शुद्धगान की शुदा ही होते ये शुदा की जो तादाद है वो बासठ है बासठ और एक सौ से ज़्यादा जख्मी और उस पर बयान बगैर सोचे समझे और उगाते हैं ना खुम्बियों की तरह बरसात की, की खुंबियों की तरह या मैं कहते हैं तो कहा तो कुछ और जाता है वैसे कहा जाता है कि बर, बरसात के मेंढकों की तरह लेकिन मैं खुंबी इसलिए कहता हूँ कि जरा खुंबी कुछ थोड़ा सा महसिब हो जाता है मेंढक के नाम ज़रा अच्छा नहीं लगता मुझे वैसे होता ही है कि बरसाती मेंढकों की तरह टाँटा टाँटा करना शुरू हो जाते हैं और ये टाँटा ही थी कल जो हो रही थी चाहे कौमी असम्बली में हो रही थी चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हो रही थी चाहे ये वाला बयान कि अगर मेरे इस्तीफ़े से जाने वापस आ जाती हैं तो फिर मैं इस्तीफा दे देता तो हूँ मतलब हद है ना कि आपकी ज़िम्मेदारी है पहले तो कबूल नहीं कर रहे थे और उसके बाद जब वो डी एस सखर ने अपने सारे वो जो थी कॉरस्पॉन्डेंट्स थी हेडकोार्टर के साथ या वो जो चीफ मेंटेनेंस या जो भी थे उनके साथ जब उन्होंने एक एक चीज़ बताई कि हमने लिखा उन्होंने पैसे भेजे हमने कहा कि जनाब ये एक सौ रुपये वाला काम एक रुपये में नहीं हो सकता और फिर पता चला अब रिपोर्ट कर रहा है मीडिया के वेल्डिंग हुआ हुआ था वेल्ड किया हुआ हुआ था ट्रैक को अब इतनी भारी ट्रेनें गुजरती हैं और वहाँ पे वो पैचेस लगा अपना वो सड़क तो है नहीं सड़क पे भी जुगाड़ करते हैं ना जरा वो टुकड़ा काट के उसके ऊपर पैचेस लगा देते हैं तो पैवंदकारी कर का देते हैं। ये रेलवे ट्रैक को पैवंद मतलब वेल्डिंग के साथ और फिर वो जो कल एक मुसाफिर ने बताया था कि वो ट्रेन तो चलने के काबिल ही नहीं थी आ, उसमें मसाइल थे उसके कुछ कलम्स वगैरह उखड़े हुए थे लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब ट्रेन लेट हो रही है तो निकाल दो चला दो और वो चला दिया और हादसा हो गया और बहरहाल तो वो और वहाँ पर जो आ, हमारी हुकूमत है पूरी की पूरी कौमी असम्बली में वो ये फरमा रही है कि जनाब ये मामला जो है ना ये ख्वाजा साद रफ़ी की वजह से मुस्लिम लीग नूर की हुकूमत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजह से हादसा हुआ कौमी इसम्बली में भी इधर भी बाहर भी मतलब एक रवैया है यही रवैया यही रवैया इमरान खान साहब की हुकूमत का है वफाक को चलाने का और वफाक में जाहिर है इस वक्त सबसे जो इमरान खान की हुकूमत को जो इमरान खान साहब खुद भी कहते हैं कि जनाब सिंध हमारा सूबा नहीं है उसके बावजूद हमने सिंध में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए वो जो एहसास प्रोग्राम उन्होंने बेनजीर नजीर सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आ, वो जो पैसे दिए थे कोरोना की पहली लहर में उसकी बात वो कर रहे थे कि जनाब हमने सबसे हमारा सूबा नहीं है सिंध फिर भी हमने सबसे ज़्यादा पैसे दिए फिर उसके बाद मैंने पिछले दिनों आपको गुजारिश किया था कि जनाब एक अरब रुपये का ऐलान किया और बारिशों में फिर ग्यारह अरब रुपये साढ़े अरब का पैकेज था ना जाने वो कहाँ हुआ क्या हुआ आज मुरादली शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि जनाब सिंध में कोई नया मंसूबा मनसूबा वफाकी हुकूमत शुरू नहीं करने जा रही अपना जो वफाकी तरक्याती बजट होता है वफाकी मनसूबे होते हैं उन्होंने वो बाकी शूबों का भी हिसाब बताया है लेकिन ज़ाहिर उन्होंने ज्यादा फोकस अपने शूबे पर रखा है कि भाई मतलब हमें क्यों नहीं दे रहे हो उन्होंने जो कल मैंने जिक्र किया था किया था सड़क का क्योंकि मुरादली शाह साहब और मैं पड़ोसी हैं मतलब कोई ए, एक तहसील उनकी है दूसरी सात वाली तहसील में मैं रहता हूँ पहले एक ज़िला था अब ज़िले अलग हो गए और उनका गाँव है वाहुड़ और मेरा है जोही तो वो भा, भानसेदाबाद के साथ तो पंद्रह बीस किलोमीटर के फ़र्क से तो लेकिन हमारी जो मेन शाहरा है वो एक ही है वो जो आ, इंडस हाईवे तो अगर जाम से जाना होता हैदराबाद से गाँव मैंने भी तो मैं भी उसी सड़क पे जाता हूँ साहब भी उसी सड़क पे जाते हैं और लाखों लोग उसी पे सफ़र करते हैं रोज़ाना हाथ से होते हैं तो उसी सड़क का मैंने इसलिए कल जिक्र किया था क्योंकि वो सिंध की दूसरी बड़ी सड़क है नेशनल हाईवे के बाद जो कराची लाहौर नेशनल हाईवे है उसके बाद सिंध की दूसरी बड़ी सड़क वही है कराची से अपना जाम से वो शुरू होती है और आके शिकारपुर और सखर तक आगे इधर मिलती है और कोयटा की तरफ भी जाती है तो ये सब दूसरी बड़ी सड़क है तो उस सड़क पर अली शाह साहब ने आज बताया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में उस सड़क पर क्योंकि वफाकी मनसूबा है वो वफा हाईवेज़ में आता है वफाकी हाईवेज़ में आता है तो उन्होंने बहरहाल तरला मिनट करके वो काम शुरू करवाया सात अरब रुपये उन्होंने कहा जनाब चौदह अरब का खर्चा है सात अरब रुपये आप दे दें और बाकी वफाकी हुकूमत दे, दे देगा तो आप जमो करवा दें और हम शुरू करवा दें जमा करवाया काम शुरू करवाया काम बंद और काम बड़े अरसे में बंद पड़ा हुआ है अब शुरू नहीं हो रहा तो शाह साहब ने कहा कि जनाब आप वो पैसे हमें वापस कर दें वो सड़क बनवाते हैं अब दूसरा उन्होंने जितने भी कहा है कि जनाब हमें जो ड्यू एक शेयर होता है जो फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ वफाकी इकाइयों के साथ मुनफाना तरीके से मनसूबे तकसीम होते हैं सूबे के मतलब पंजाब बड़ा सूबा है तो पंजाब में जा, ज़ाहिर है ज़्यादा मनसूबे होंगे सिंध नंबर टू है तो नंबर टू पे सिंध में होने चाहिए नंबर थ्री के पी के नंबर थ्री में के पी के होना चाहिए बलोचिस्तान पसमानदा है बलोचिस्तान के साथ कोई हिसाब किताब नहीं है किसी का भी नहीं होना चाहिए बलोचिस्तान के साथ जितना मतलब सत्तर बहत्तर सालों में हुआ है कि वहाँ कुछ कोई मनसूबे कोई सड़क कोई चीज़ नहीं है वहाँ जो मर्जी जितना मर्जी वफा खर्चा करें लेकिन सवाल ये है कि भाई कोई नया मनसूबा हो तो सही मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि मैंने लिख लिख के आखिर में ये लिखा वज़ीर आज़म साहब को कि भाई मुझे लग रहा है कि मैं बहरों से मुखातिब हूँ और मैं सुन रहा था असद उमर साहब को इमर आदल शाह साहब ने कहा उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कंपनी बना दी है पीछे भी एक इन्होंने जब एक अरब रुपये का प्रोजेक्ट इन्होंने दिया था तब भी उन्होंने कहा था कि ये हम हुकूमत से नहीं खर्च करवाएंगे हम खुद करेंगे फिर उन्होंने अपने एम एन ए ज ग्रुप बनाया था कमेटी बनाई थी वो भी ख़र्च नहीं किए फिर कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनाई उसके 1100 अरब रुपए उसका भी कोई पता नहीं अब वो दावा कर रहे हैं कि हमें नवे अरब रुपए दिए तो मुरादली शाहजाब ने आज उसका वाजल अलफाज में कहा कि भाई आप वो नवे अरब रुपए हमें दिखाएं अब उन्होंने एक नई कंपनी बना दी है उस कंपनी के ज़रिए करेंगे वफाकी हुकूमत के लिए हम तरक्याती मनसूबों चलाएँगे वो कह रहे हैं जी बिल्कुल चलाएं आप लेकिन हमें हमसे पूछ कर तो चलाएं ना कि हमारी मतलब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है सिंध हुकूमत के साथ प्रॉपर एक मुशावरत के साथ कहें कि भाई आपको क्या चाहिए जैसे हुकूमत जो पी एच डी पी के लिए अपने मनसूबे देती है आ, उन मनसूबों में से कोई मनसूबे उठा ले ये मतलब इम्पोज तो नहीं किया जा सकता कि जनाब वहां पे बैठे हुए बादशाह सलामत इमरान खान साहब को लगता है कि अब दादू में जो है वो ये वाला टावर बना दिया जाए वफाकी फंड से तो ये इस तरह नहीं होता या बदीन में फ़िलहाल चीज़ बनाई जाए इस तरह तो नहीं होता तो वो कह रहे हैं कि हमें हम हलें आप खर्च कर लें वो जो बार बार कह रहे हैं ना वफाक वज़रा अक्सर अली जैदी साहब कह रहे होते हैं सद उमर साहब कह रहे होते हैं ठीक है आप मतलब वफाक का फंड है ज़्यादातर यही होता है कि वफाक हुकूमत खर्च करती है और, और ज़्यादा जो अम, मनसूबे होते हैं उसके साथ जिसमें दोनों वफाकी और सूबाई हुकूमतों की उसके साथ मुश्तरक फंड्स के साथ मंसूबे होते हैं तो जाहिर है उसमें मुश्तरक एक होता है लेकिन जो वफाक के मंसूबे होते हैं वफाक के मंसूबे भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक एम एन ए के हल्के में एक मंसूबा शुरू करना होता है वफाकूमत ने लेकिन एम एन ए लिख के देता है कि मुझे मंसूबा चाहिए ये नहीं होता कि वजी अजम साहब डायरेक्ट उसमें हाँ वो बड़े पैमाने पर मोटरवेज़ हैं इस तरह के मनसूबे जो हैं वो तो वफाकूमत के होते हैं लेकिन अगर शूबी लेवल के मनसूबे हों तो वो फिर शूबाई हुकूमत से पूछा जाता है मुराद रिशाजा कहते हैं खर्चा आप करें जाकर ठीक है आप करें करें तो सही हमसे पूछ कर हमें हमें बताएं तो सही कि या हमसे मशवरा तो करें कि आपने करना क्या है लेकिन उन्होंने जो बात की है वो कह रहे हैं कि नवे अरब रुपए का जो ये दावा कर रहे हैं तो नवे अरब बता दें कहाँ आए हैं हमारे पास नवे अरब रुपए का वो कह रहे हैं कि आपको दिए 500 मिलियन का है कि जी 500 मिलियन कोई दिए बाकी नवे अरब वाला तो कोई हिसाब किताब नहीं है असद उमर साहब को मैं सुन रहा था कल किसी टॉक शो में उससे पहले सईद गनी साहब ने या मुर्दा वहाब मुर्दा वहाब ने बताया था कि जनाब कोई पैसे जो कह रहे हैं ये नहीं आए तो उसद उम्र साहब से पूछा गया कि जनाब आप तफसीत बताएँ ना वो दावा कर रहे हैं कि आप गलत कह रहे हैं आपकी उन्होंने कहा मैं बता दूंगा बाद में तो एंकर फिर सवाल पूछता है कि जी आप बता दें ना आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि नहीं आपने कुछ नहीं दिया आप कह रहे हैं आपने दिया है तो जो जो मनसूबे जितनी रकम आपने जारी की है वो आप बता दें चाहे वो नालों की मद में हो चाहे वो कराची ट्रांसमेशन कमेटी के लिए हो, चाहे वो सिंध के किसी बदीन में ठट्टा में या किसी और छोटे दही इलाके में कोई आपने खर्चे किए हों तो वहाँ बता दें तो वो उनके पास कोई फिगर था नहीं बस ये था असद उमर साहब ने कहा था कि जी हम इनको पैसे देंगे ये करप्शन करेंगे और हम मतलब तो सिंध, सिंध करप्टूबा है उनका ये जो लफ्ज़ था जुमला था तो ज़ाहिर है जिस पर आ, मुराद रजाद आपने कहा कि दो पाकिस्तान नहीं चल सकते मज़ात करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर आप पाकिस्तान को नहीं चला सकते हम आपको चलाने भी नहीं देंगे और नज़र भी आ रहा है कि आप देखें कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है किसी सूबे से पंजाब का सबसे ज़्यादा मैंने यहाँ वीलाग्स में बैठ बात की कि पंजाब के सबसे ज़्यादा जो थे एन से फ़ंड्स वो पंजाब को नुकसान हो रहा है पंजाब का क्योंकि हजम बढ़ा है पंजाब के पैसे और पंजाब में बोलता कोई नहीं है पंजाब असम्बली भी चुप अपोजिशन चुप हुकूमत चुप अपोजिशन तो इतनी कमाल चुप है पंजाब में ना कि कमाल है कि वो मैंने कई एम पी एज़ एम एन एज के साथ सियासी लोगों के साथ पिछले जो अपना जो साल था गुजश्तर ये वाला नहीं इससे पहले वाला अभी जो तो रवा है ना जो चल रहा है इससे पहले वाले मैंने कई को बताया कि यार मेरे पास जो फिगर्स आ रहे हैं सिंध के इतने पैसे तब एक सौ नवे अरब या कुछ का दावा था सिंध का कि इतने हमारे अभी तक रोके हुए हैं तो पंजाब के पता दो करें तो करें कितने रोके हुए तो पता चला पाँच सौ से ज़्यादा रोके हुए थे बाद में पता नहीं हो जाते जारी हो गए या एडजस्ट कर लिए कुछ कर लिया होगा लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है तो वो वफाकी हुकूमत ज़ाहिर है सुबह को एन एफ सी से सुबह को कट लगा रही है मुसलसल और आ, तो इस तरह और और ऊपर और से इम्पोज़ कर रही है अगर और ख़ासतौर तो पर उस सूबे में जिस सूबे में हुकूमत अपनी ना हो बलोचिस्तान है के पी के है वो तो नहीं बोल रहे पंजाब तो नहीं बोल रहे हैं बलोचिस्तान वाले कभी कभी बोलते हैं तो वो नहीं बोल रहे लेकिन ज़ाहिर सिंध में हुकूमत सिंध जो है वो तो बात कर रही है मुरादली शाह साहब आदाद शुमार के साथ बात कर रहे हैं या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह मुरादली शाह साहब ने कागज़ सामने रख के बात की है उस तरह उनको कागज़ सामने रख के झुटला दें वरना कम से कम जिस तरह रेलवे चला रहे इस तरह वफाक तो ना चलाए ना मतलब रेलवे तो हादसों का शिकार हो ही रही है वफाक तो हादसों का शिकार ना हो अल्लाह ना करे एक बार हो चुका हुआ है इसी तरह के रवैयों के साथ हो चुका हुआ है ऐसे कह करके जनाब ये लोग ठीक नहीं हैं ये काबिल नहीं है कि इनको चला इनको मतलब यहाँ से बैठ कर बताया जाता था कि भाई बंगालियों को क्या करना चाहिए तो ये रवैया आमरीतों में होता है वफाक और सूबों में हमेशा कशीदगी आमरीतों में होती है जो जो बाकी हुकूमतें छोटी थोड़ी बहुत जमहूरी हुकूमतें पाकिस्तान में रही हैं उन हुकूमतों के दौरान वफाक और सूबों में मामला सुलाजुई के साथ चलते रहे पानी का जो बड़ा माह है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ एन एफ़ सी का अवार्ड पहले नवाज शरीफ के दौर में हुआ फिर पीपल्स पार्टी ने जो आखिरी एन एफ़ सी है वो पीपल्स पार्टी के दौर का है तो जमहूरी हुकूमतें तो जोड़ती हैं आमरीतें या फिर हाइब्रिड रिजीव जो होती हैं वो रेलवे की तरह वफाक को चलाना चाहती है वेल्डिंग करके वेल्डिंग करके नहीं चला जाता मुल्क इसको प्रॉपर जो जिसकी रेस्पेक्ट और जो जो, जो उसका शेयर है उसको दे, गे तो जाहिर है वफाक मजबूत होगा वरना कमज़ोर होगा माजी में हो चुका हुआ है और ये इस तरह करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये कहकर कि जरा मतलब इस तरह की ट्रोलिंग करवा के यूट्यूबर्स के ज़रिए कि जना ये सिंध को ना दें और ये पंजाब ये इस तरह ना करें उस तरह ना करें इस तरह मुल्क नहीं चला करते और कंपनियाँ बना कर भी मुल्क नहीं चला करते इदारे मौजूद हैं उन इदारों के ज़रिए मुल्क चलाने की कोशिश करें अब तक तो के लिए इतना ही अल्लाह हाफ